Assalamu alaikum dear students this is Mansoor Ali Narejo in today's lecture we are going to learn about summary and some important MCQs of chapter number four cells and tissues. so let's start Zenchen Johnson is believed to be the first investigation to invent compound microscope and Robert Hooke improved it zenchan Johnson वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट की बनाई और रॉबर्ट हुक ने इसे इम्प्रूव किया यानी उसमें जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी जिस इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी वो इम्प्रूवमेंट उन्होंने की और उसे बेहतर बनाया टू पैरामीटर्स आर इंपॉर्टेंट इन माइक्रोस्कोपी ही एंड रेजोल्यूशन दो पैरामीटर्स बहुत अहम होते हैं माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफेसन एंड रेजोल्यूशन मैगनीफिकेसन में हम चीज़ों को बड़ा करते हैं यानी जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको लार्ज बनाते हैं और रिजोल्यूशन में हम उन्हें उनके स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं एन अदर माइक्रोस्कोप इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिस माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस हायर रिजोल्यूशन इट कैन बी यूज टू सब सब्सुलर स्ट्रक्चर्स और इसके अलावा जो और एक माइक्रोस्कोप है जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं इसमें जो रिजोल्यूशन पावर है वो ज़्यादा है यानी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ज़्यादा क्लियर करके दिखाती है और इसमें जो सबसे लो स्ट्रक्चर हैं उनको हम देख सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गनिज्म एक्सप्लेन बाय सेल थ्योरी इम्पोर्टेंट जनरलाइजेशन ऑफ बायोलॉजी सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिज्म का ये जो डेफिनेशन है वो वजात की गई चीज़ की वजाहत की गई सेल थ्योरी की मदद से जो एक बहुत अहमियत रखती है बायोलॉजी में देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेस ऑफ देर सबसेलियर स्ट्रक्चर प्रोक्रेटिक एंड यूक्यूरेटिक सेल दो किस्म के सेल होते हैं उनकी सबसेलियर स्ट्रक्चर की बुनियाद से प्रोक्रेटिक वो सेल्स जिनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो किसी मेम्बरीन में बंद ना हो और यूक्यटिक वो सेल्स जिनका जेनेटिक मटीरियल एक मेम्बरीन में बंद हो जिसे हम न्यूक्लियर मेमब्रीन कहते हैं द प्रोक्रेटिक सेल हैज़ एम्प्रॉपर न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियस मेबरीन वाइल यूक्रोटिकज प्रॉपर न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्बरिन प्रोक्रोटिक इम्प्रॉपर न्यूक्लियस होता है क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेबरिन नहीं होती न्यूक्लियस की मेम्बरिन नहीं होती और यूक्रेटिक सेल प्रॉपर यानी खास किस्म का सेल होता है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्बरिन होती है सेलवाल इज अ टफ रिजिट नॉन लिविंग परमिएबल आउटर प्रोटेक्ट लेयर ऑफ सम सेल्स सेलवाल जो है सख्त नॉन लिविंग और परमिएबल लेयर है सेल्स की जो इजाजत देती है कि सेल्स जो या मटेरियल की एक्सचेंज हो सेल्स में इसलिए हम उसे परमियबल कहते हैं क्योंकि वो हर एक चीज़ को इजाज़त देती है कि उससे वो गुजरे सेल मेम्ब्रेन इज़ आउटर मोस्ट लिविंग डिफरेंशियली परमियबल बाउंड्री ऑफ ऑल सेल्स सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर बाहर मौजूद एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है जो जो उसमें जो परमिबलिटी होती है वो सेलेक्टिवली परबल होती है यानी जिस चीज़ की सेल को ज़रूरत होती है उससे इजाज़त देती है कि वो सेल से पास आउट हो जिसकी इजाजत नहीं होती उसको परमिब उसके लिए इम होती है इसलिए हम इसे सेलेक्टिवली परबल कहते हैं एस जे सिंगल एंड जी एल निकलसन प्रोपोज फिलड मोजेक मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेमरी एस जे सिंगल सिंगर एंड जी एल निकलसन जो है इन्होंने फिलड मोजेक मॉडल डिस्क्राइब किया या जो ए, उसे इंट्रोड्यूस कराया सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन देन प्लेस थ्रू ऑस्मोसिस डेफ्यन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फेसिलेटेड डिफ्यन मूवमेंट जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती है जिसमें ऑस्मोसिस आती है यानी जो वाटर की एक्सचेंज होती है डिफ्यन गैसेज एक्सचेंज होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट जिसमें यानी जो कंसेंट्रेशन ग्रेडेंट है उसके खिलाफ मूवमेंट हो एनर्जी यूटिलाइज हो, हो इस किस्म की मूवमेंट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और फेसीलेटेड डिफ्यूजन यानी जो लार्जर मालिक्यूल्स होते हैं वो चैनल प्रोटीन की मदद से ट्रांसपोर्ट होते हैं इस किस्म के ट्रांसपोर्ट को हम फेसीलेटेड डिफ्यन कहते हैं द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल कार्ड सेल आग्न लाइक माइटोकुंड्रिया गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम लाइसोसोम वैक्यूल सेंट्रोल प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस वो स्ट्रक्चर जो सेल में मौजूद होती हैं जिसमें माइट्रोकुंडिया गोल्जी बाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम लाइजोसोम वैक्यूल सेंट्रल प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियस आ जाते हैं ये सभी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं सेल के अंदर इन्हें हम सेल ऑगनिल्स कहते हैं सेल्स आर वेरिएबल साइज लाइक बैक्टीरियल सेल आप स्मॉल साइज सेल्स जो है वेरिएबल साइज़ के होते हैं जैसे बैक्टीरियल सेल हो गया जो छोटे से छोटे साइज़ रखता है और एक सेल जिसे हम लार्जेस्ट साइज़ कहते हैं वेस्ट प्रोडक्शन एंड डिमांड ऑफ न्यूट्रेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल वॉल्यूम जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है और जो न्यूट्रेंट्स की डिमांड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो सीधी नस्बत रहती है सेल के वॉल्यूम से टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स में भी ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर टिश्यूज जो है सिमिलर सेल्स का ग्रुप होते हैं जिनका उनके फंक्शन के बुनियाद पर उनकी जो इस्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है और वो मिलकर एक पर्टिकुलर किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू प्लांट्स में दो खास किस्म के टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम मेरिस्टमेटिक और परमानेंट टिश्यूज कहते हैं उसके बाद हम रिव्यू करते हैं कुछ क्वेश्चंस का जिसमें हमारे एम सी क्यूज आ जा जाते हैं इन सर्कल द करेक्ट आंसर वाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई रिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हाई रेजोल्यूशन है वो किसकी वजह से होता है आई मेग्नीफिकेशन नहीं शार्ट पेब लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम यस उसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है उनकी जो शार्ट पेब लेंथ होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हाई रेजोल्यूशन के लिए बाकि जो हमें यानी चॉइसिस दी गई हैं वो गलत हैं जो भी चॉइस है वो सही है वाट इज़ फंक्शन ऑफ रफ रफ़ एंडोपमिक रेटिकुलम का क्या काम है हम पढ़ चुके हैं एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं एरोबिक रेस्पिरेशन वाइटोकुंडा के अंदर होती है बी इंट्रासेर डाइजेशन नहीं इंट्रासेर डाइजेशन जो राइजोसोम के अंदर होती है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स ये जो स्टेरइड की सिंथेसिस है यानी यह लिपिड है तो इसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फंक्शन परफॉर्म करता है नंबर फोर डी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाते हैं क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं नंबर थ्री विच स्टेटमेंट अबाउट द फ्लड मोजर मॉडल ऑफ मेम्बरिन इस्टचर इज करेक्ट तो इसमें जो बी है द मोर द फैटी एसिड द मोर फ्लोड नेचर यानी जब ज़्यादा अन फैटी एसिड्स होंगे जो अन कंपाउंड्स वो सॉलिडिफाई नहीं होते लिक्विड फॉर्म में रहते हैं तो जो फ्लूड नेचर होगी मेम्ब्रेन की वो भी ज़्यादा होगी बाकी जो हमारी चॉइस हैं वो गलत हैं उसके बाद विच प्रोसेस अलो मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ सेल कौन सा प्रोसेस इजाज़त देता है कि सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट हो तो आसमोसिस इसमें भी इन और आउट मूवमेंट होती है डिफ्यूज उसमें भी इन एंड आउट मूवमेंट होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें भी जो इन एंड आउट वो मूवमेंट होती है तो ये तीनों जो मूवमेंट्स हैं इनमें मारिकूल एक्सचेंज होते हैं इन एंड आउट ऑफ सेल तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है डी है जिसमें वन टू एंड थ्री लिखा हुआ है आर पासरी एक्सेप्ट यानी सभी पासुलेट्स हैं सेल थ्री के सिवाए न्यू सेल्स डाइड फ्राम प्री एक्टिंग सेल्स ये सेल्स डज नॉट कंटेन देडिटेटी मटीरियल ये गलत है आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अपन आर मोर सेल्स टू सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये भी टू है तो ऑप्शन नंबर जो बी है सेल्स डू नॉट कंटेन द हेडिडेटी मटीरियल ये गलत है ये पासलेट नहीं है सेल थ्रिय का पर सेल सभी सेल्स में हेडिटी मटीरियल मौजूद होता है उसके बाद सेकेंडरी इज सेल वाल इज मेड अप ऑफ सेकेंडरी सेल वाल जो है अप वो बनी हुई होती है सेल लॉज एंड लेगन की बाकी जो चॉइस हैं वो गलत हैं और चॉइस नंबर सी इज करेक्ट सेलेक्ट द ऑड वन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट बी डिफ्यूजन सी डी ऑस्मोसिस यहाँ पर ऑड वन का मतलब क्या है यानी अगर हम दूसरों को देखें तो वो बी सी एंड डी ये जो तीन चॉइस हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी जो ए च्वाइस है वो सभी से डिफरेंट है इसलिए हम ए ऑप्शन को करेक्ट कहेंगे सेलेक्ट था वन में इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज करेक्ट ट्रेस द करेक्ट पाथ वी आफ प्रोटीन प्रोड्यूस फ्राम प्रोटीन फैक्ट्रीज यानी जब प्रोटीन फैक्ट्रीज से प्रोटीन बनती है तो उसमें करेक्ट आर्डर क्या आता है ज़ाहिर सी बात है रेफेंडा प्लाजी रेटिकुलम होता है वहाँ पर हाइबोसम्स मौजूद होते हैं जो प्रोटीन के फार्मेशन करते हैं वो ट्रांसफर करते हैं गोलजी बारिश पर गोलजी बारिश के बाद वो ट्रांसपोर्ट होती है लाइजोम की तरफ तो ये जो एक करेक्ट सीक्वेंस है यानी प्रोटीन के फार्मेशन के पाथवे की उसके बाद सेल ऑर्गेन फाउंड इन एनिमल्स एंड हेल्प इंट्रा सेलर डाइजेशन यानी इंट्रा सेलर जो डाइजेशन एनिमल सेल्स में कराते हैं वो लाइजोम्स होते हैं सेलेक्ट द मिसमैच यहाँ पर जो मिसमैच है प्लास्टिक का काम जो है स्टोरेज करना है केमिकल्स की सेंट्रोल की हेल्प इन सेल ये भी करेक्ट है राइबोसोम ऑफ ये यहाँ पर जो है गलत है राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो सेंथस ऑफ प्रोटीन है माइक्रोकोन्डिया सेंथिस ऑफ ए टी पी ये भी सही है तो यहाँ पर जो मिस है सी है राइबोसोम्स ऑफ स्टेरॉइड्स ओके स्टूडेंट देर ऑल अबाउट टू लेक्चर इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो